गाइज वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। सो गाइज आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और ये प्रोडक्ट मैंने रिव्यू पर्पज़ से नहीं लिया था, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था। मुझे ये रैंडम पसंद आ गया था स्टोर में, तो मैंने सोचा था मैं खुद यूज़ करूँगी, लेकिन ऐसा कोई रिव्यू का प्लान नहीं था इस प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ खास बातें लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर भी यूज़ करती हूँ तो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही शेयर कर देती हूँ। सो गाइस आज मेरा रिव्यू होने वाला है निविया का बॉडी लोशन एक्सप्रेस हाइड्रेशन 48 आवर फास्ट एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर केयर विद डीप मॉइस्चर सीरम विद सी मिनरल्स नॉर्मल स्किन के लिए। ये 75 ml की बॉटल, इसका प्राइस गाइस वैसे तो 110 rupees है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट इस समय सेल चल रही है तो 75 rupees का ये मुझको मिल गया था। इसमें बड़े साइज भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने छोटा परचेज किया क्योंकि मैं ट्राई देके देखती हूँ, अगर पसंद आएगा तो मैं इसको बड़ा परचेज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए। सो गाइज अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये आता है इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल में। बैक पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दी गई है, इस तरीके का फ्लिप फ्लॉप ओपनिंग है आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी की, तो काफ़ी रनी ये लोशन है आप देख सकते हो। थिक कंसिस्टेंसी वाला लोशन नहीं है, जो थिक और हैवी कंसिस्टेंसी के लोशन होते हैं उस तरीके की एज इट इज़ जैसे कि निविया के ऑल लोशन से आती है सेम है। मैंने इसका जिससे पहले एलोवेरा हाइड्रेशन वाला लोशन यूज़ किया है, उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया था, वो मुझे पसंद आया था। वो ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए है, लेकिन ये नॉर्मल स्किन के लिए मुझे लगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है आप इसके लिए मत जाना, आप इसकी और भी वेरियंट ट्राई कर सकते हो। निविया में बहुत अच्छी वैरायटी है, अलग अलग प्राइस रेंज में अवेलेबल है, मतलब कि साइज में, तो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके इंग्रेडिएंट की, तो ये कोई हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है। इसमें एक्वा पैराफिनम लिक्विडम ग्लिसरीन सेट्राइल एल्कोहल ग्लिसरीन स्टेरेट बेनोजाइल एसिड मिथाइल बेनोजेट इस तरीके के इसमें इंग्रेडिएंट्स में अल्कोहल भी मिक्स किया गया। बाकी इंग्रेडिएंट का स्नैप मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, आप पॉज करके चेक कर सकते हो। जब आप इंग्रेडिएंट से सेटिस्फाइड हो उसके बाद ही आप प्रोडक्ट परचेज करना। अगर ये क्लेम की, तो ये कहता है द निविया एक्सप्रेस हाइड्रेशन बॉडी लोशन एब्जॉर्ब इन सेकेंड्स एंड लीव योर स्किन इंटेंसली मॉइस्चराइज आफ्टर जस्ट वन एप्लीकेशन। मतलब कि ये सेकेंड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो गाइस सच में ये बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड दूसरी बात ये कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्किन को मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से कर देता है। बाकी गाइस ये थी इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल। यूज़ करने का तरीका, आप नॉर्मली इसको नाइट में या डे में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अपनी स्किन में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस ये थी इसकी डिटेल। अगर मैं बात करूँ इसके रिजल्ट की, गाइस ये मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया कुछ दिन, मेरी जो बॉडी की स्किन है वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। मैंने इसको यूज़ किया विंटर्स की स्टार्टिंग में, तो इसने बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज किया, अच्छे से स्किन को स्मूथ किया। लेकिन जब विंटर ज़्यादा हो गई, मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई होने लगी, तब ये मेरी स्किन पे उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिससे मुझे फील हुआ कि इसका जो मॉइस्चराइजेशन लेवल है वो मीडियम वाला है, मतलब कि नॉर्मल स्किन के लिए है। मेरी स्किन ड्राई हो रही थी ज़्यादा, तो मुझे ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने एलोवेरा वाला वापस अपना जो लोशन था वो यूज़ करने लगी, और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा ड्राई स्किन के लिए। बट बहुत से लोग हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है और बहुत हैवी ड्राई स्किन नहीं होती है, चाहे विंटर्स भी हो जाए, तो वो डेफिनेटली इस लोशन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिफरेंट फॉर्मूला है सीरम वाला जो ये मॉइस्चराइजर बोला गया है, तो हाँ इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सीरम टाइप की है। मुझे ये बहुत पसंद आया इनकेस नॉर्मल स्किन वालों के लिए, या फिर ऑयली स्किन वाले भी अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं इसको, आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। ये फेस को डल नहीं करेगा, डार्क नहीं करेगा, चिपचिप नहीं बनाएगा और एक ग्लोई इफेक्ट देगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो 2-in-1 एज अ फेस में भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो। अगर बात करें स्किन लाइटनिंग की, तो ये कोई स्किन लाइटनिंग नहीं देता, एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर है, बॉडी लोशन है। अगर आपको स्किन लाइटनिंग के लिए चाहिए, तो इसमें बहुत सारी रेंज अवेलेबल है जो स्किन लाइटनिंग के लिए है। इस कॉम्प्लेक्शन को लाइट करती है, और साथ ही साथ उसमें SPF भी मिल जाएगा, तो आप उसमें भी जा सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजेशन के लिए है, जो कि ये क्लेम भी करता है मॉइस्चराइजेशन और देता भी है। अगर टीनेजर्स
स्कूल गोइंग गर्ल्स या जिनकी एज कम है, वो कोई अगर बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर चाह रही हैं तो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकती हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए और साथ ही साथ काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा। ये काफ़ी अच्छा है, 48 आवर मॉइस्चराइजेशन तो नहीं लेकिन 24 आवर्स तक का तो चल ही जाएगा, आपको ड्राइनेस नहीं होगी इन केस अगर आपकी नॉर्मल स्किन है। सो गाइस, ये था मेरा हॉनेस्टा रिव्यू नीविया बॉडी लोशन एक्सप्रेस हाइड्रेशन 48 आवर फास्ट एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर केयर। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन कोई करी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।